गुड इवनिंग एवरी वन. नाउ इन दिस वीडियो आई हैव टू डिस्क्राइब यू अबाउट द सेक्शन 6 विच इज स्पीक अबाउट द रेस्ट गेस्टे विच इज़ अ क्वाइट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन आवर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. आई होप सो दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सबसे पहले हम देखते हैं रेस्ट गेस्टे होता क्या है. इट जस्ट लाइक अ ट्रांजेक्शन. सबसे पहले हम इसके कुछ जो मेन सेक्शन 6 के कुछ पॉइंट्स हैं, फैक्ट इन इशू, ट्रांजेक्शन्स, ये इसको समझ लेते हैं. ऑटोमेटिकली हमें रेस्ट गेस्टे समझ आ जाएगा. फैक्ट इन इशू क्या होता है? जैसे कि कोई प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, उसकी कोई प्रोसीडिंग चल रही हो, उसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे खिलाफ किसी ने केस किया है कि मैंने किसी के मतलब पैसे चुराए हैं. फॉर एग्जांपल कोर्ट के अंदर जब होता है, मैं अपनी बात को रख रहा हूँ कि मेरा नाम ये है, मेरी आइडेंटिटी ये है, तब तक वो सिर्फ फैक्ट है कि मेरे पर्सन की सिर्फ आइडेंटिटाइज कर रहा है. लेकिन मैं बोलता कि मैंने वो चोरी नहीं की है, तो सामने वाली जो पार्टी होती है वो बोलती नहीं, इसी पर्सन ने ये चोरी की है. फैक्ट वो हो गया जो मैंने बताया, जो सामने वाली पार्टी ने जिस पॉइंट के ऊपर मतलब मैंने उसने कहा कि इसने ही चोरी करी है, वहाँ से जो इशू क्रिएट होता है वो उसको कहते हैं फैक्ट इन इशू. ठीक है, इसको फैक्ट इन इशू बोला जाता है कि जहाँ से इश्यूज क्रिएट होते हैं. फिर आगे पॉइंट आता है ट्रांजैक्शन का. जो चीज़ एक दूसरे से रिलेट कर रही हो, जैसे कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से रिलेट कर रही हो, तो मतलब वो ऑटोमेटिकली मतलब एक सेम ट्रांजैक्शंस के अंदर आएगी. ठीक है, जैसे जो सारी सराउंडिंग चीज़ें हैं एक दूसरे से रेलेवेंट हो जाए किसी भी केस में, सारी सराउंडिंग चीज़ें जो है एक दूसरे से रेलेवेंट हो जाए उसको रेस्ट गेस्टे बोलते हैं. ठीक है, एक केस आया था रतन वर्सेस क्वीन. एक पर्सन पर इल्ज़ाम लगा था कि उसने अपनी वाइफ को मारा है, तो वो अपने बचाव में बोला कि मेरे से बंदूक चल गई, मैं नहीं मारना चाहता था. लेकिन जो कोर्ट के पास स्टेटमेंट थी उसमें ये था कि उसकी वाइफ ने मरने से पहले उसे एक ऑपरेटर को फ़ोन किया था और उसको बोला था मुझे हेल्प चाहिए, पुलिस को बुलाओ. जब तक पुलिस आती है वो औरत मर चुकी होती है. तो फिर उसके बाद जज पूछते हैं कि जो अगर उसको अगर आपसे गलती से गोली चली है तो वो उस औरत को ये कैसे पता कि वो मरने वाली है. तो जो ये वाली स्टेटमेंट, जो ये सारी रेलिवेंसी एक चीज़ की दूसरी चीज़ से कनेक्शन जो होएगा वो यहाँ पे जो फैक्टिंग इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है उसी ट्रांजेक्शन्स के बीच में, तो वो यहाँ पे रेस्ट गेस्टे है. उसके बाद आता है एक्ट और ओमिशन. तीन लोग हैं, तीन या चार लोग हैं मिलकर कोई क्राइम के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं. कॉन्स्पिरेसी क्या कर रहे हैं? जैसे पिछली बार एक एग्जाम्पल दिया था, पिछली बार का छोड़ो, चलो अब देखते हैं. ए ने क्या किया, एक बंदे को मारना है. ए कहता मैं चाकू ले आऊँगा. बी कहता मैं तेरे को लोकेशन बता दूंगा, वो इस लोकेशन पे कहाँ पर आएगा. सी बोलता है कि ठीक है मैं इस बंदे को मार सकता हूँ. ठीक है, तो ये तीनों कॉन्स्पायर करके तीनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं. सेम ट्रांजेक्शन्स में एक्ट होगा, वही चीज़ होगी, तो वो चीज़ रेस्ट गेस्टे है. फिर स्टेटमेंट एज ए रेस्ट गेस्टे. ए ने बी को मारा, बी का रिएक्शन था बी चिल्लाने लग गया मुझे बचाओ मुझे बचाओ, तो वो भी रेस्ट गेस्टे का ही पार्ट है. केस आया था आर वर्सेस बेदीफील्ड का. इसमें एक औरत कमरे से बाहर निकलती है और अपनी आंट को बोलती है, उसके गले पे खून बह रहा होता है कि मुझे बेदीफील्ड ने मारा, तो कुछ ऐसा होता है. तो उसके बाद फिर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट तो जज बोलता है कि ये वाली चीज़ें जो हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ये सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं है. अब उसे क्या पता उस कमरे में कौन था, कैसे हुआ, ये सब तो उसके कहने से एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं हो सकती. फिर आती है जो रेस्ट गेस्टे है, एक एक्सेप्शन है हिजरे रूल का. वो इसलिए है कि कहीं पर हिजरे रूल वैसे एक्सेप्टेबल नहीं होता, लेकिन रेस्ट गेस्टे के अगर यहाँ पे कुछ ऐसा रेलेवेंसी चीज़ आ जाती है तो वहाँ पर हो जाता है, वहाँ पर ये चीज़ एक्सेप्टेबल हो जाती है. आर वर्सेस रोड स्टार का केस था, इसके अंदर भी ये हिजरे रूल जो था वो वहाँ पे एक्सेप्टेबल हुआ था. अभी एक थर्ड पर्सन ने किसी की बात सुन के कोर्ट में जाके वो स्टेटमेंट दे दी थी, तो फिर वहाँ पर कोर्ट ने उस स्टेटमेंट को एडमिसिबल किया था, तो वो वहाँ पर एक्सेप्टेबल थी. ये था हमारा टॉपिक रेस्ट गेस्टे.